आज हम बनाएंगे पास्ता सूप जो यम्मी तो है बट साथ में हेल्थी भी है, और आप इसे वेट लॉस में भी पी सकते हैं। देखिए कितना यम्मी लग रहा है। एक स्पून ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक, एक मीडियम साइज की प्याज मैंने बारीक चॉप करके ली है, हल्का सा कलर चेंज हो जाए इतना ही हम इनको फ्राई करेंगे। एक स्प्रिंग अनियन भी यूज करेंगे, लंबी लंबी स्लाइसेस कर ली थी मैंने। अब इसमें ऐड कर देंगे वेजीज, गाजर, थोड़े से कॉर्न, शिमला मिर्च और थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन। अच्छी तरह से इनको टॉस कर लेंगे। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब्स, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वेजेस आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आप इसमें मशरूम भी ऐड कर सकते हैं या बीन्स, जो भी आपको पसंद है। और अगर आप चिकन सूप बनाना चाहते हैं तो आप इसमें चिकन के भी पीसेस ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देते हैं हम 2 ग्लास पानी। एक बॉईल आने का वेट करेंगे। बॉईल आना स्टार्ट हो गया है तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पास्ता, और पास्ता हमने यहाँ पे मैदा वाला यूज नहीं करा है। यहाँ पे हमने जो सेमोलिना का मिलता है सूजी वाला, रवा वाला, वो यूज करना है। वो हेल्थी रहता है एज कम्पेयर टू मैदा। इसमें हमने काफी सारी वेजेस डाली है जिससे ये और हेल्थी बनेगा, और बच्चे भी इसे खुश होके पियेंगे। क्योंकि अब इसे लिड लगा के 8 से 10 मिनट तक कुक करेंगे। 8 से 10 मिनट में पास्ता सूप बनके रेडी हो जाएगा। चेक करते हैं, दो से तीन मिनट के लिए और थोड़ा सा कुक करेंगे। सूप हमारा बनके रेडी हो गया है, पास्ता भी अच्छी तरह से कुक हो गया है, और देखिए थिक भी हो गया हमारा सूप। हमने इसको कुछ भी ऐड नहीं करा था, इसमें पास्ता वाटर से ही इसमें थिकनेस आ गई है। तो बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। एक बार इस तरीके से आप पास्ता सूप बना के देखिए, आपको काफी पसंद आएगा ये, और बनाने में भी बहुत सिंपल है। अगर आपको मेरे पास्ता सूप की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।